हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एच जी स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज अपन सीखेंगे आरोही या अवरोही क्रम। क्या सीखेंगे? आरोही या अवरोही क्रम। क्या सीखेंगे? जोर से बोलो, आरोही एवं अवरोही। बोलने भी नहीं आ रहा। आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम क्या सीखेंगे? आरोही क्रम, अवरोही क्रम। मतलब घटता क्रम और बढ़ता क्रम। क्या होता है? घटता क्रम और बढ़ता क्रम। ये दिख रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः, ये कौन सा क्रम है? एरो किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ जाते हुए, मतलब बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम है ये? बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम। और ये एरो किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। तब ये क्या है? घटता क्रम। आरोही और अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम और घटता क्रम। क्या होता है? बढ़ता क्रम और घटता क्रम। तो ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कौन सा क्रम है? बढ़ता क्रम। और ये एरो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये कौन सा क्रम है? कौन सा क्रम है? घटता क्रम। तो यहाँ पर एक सवाल दे रखा है, आरोही और अवरोही क्रम। ये आरोही क्रम में लिखना है, जिस बॉक्स में जो संख्या दे रखी है उनको आरोही क्रम में लिखना है। मतलब आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम है नहीं? आरोही, ये आरोही क्रम है। मतलब आरोही क्रम को क्या बोलते हैं? बढ़ता क्रम। और ये घटता क्रम को क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम। घटता क्रम को क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम। तो यहाँ पर आरोही क्रम दे रखा है, मतलब इनको बढ़ती हुई संख्या में लिखना है। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, इस तरह से इसमें लिखेंगे। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इनमें से सबसे छोटी एक है, तो अपन एक को पहले लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अपन इसको एक के ऊपर गोला कर देंगे, मतलब ये संख्या लिख ली है। दूसरी, एक से बड़ी कौन सी संख्या है? एक से बड़ी एक से एक, एक से बड़ी दो है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? दो से बड़ी कौन सी संख्या है? तीन। यहाँ पर तीन है, और ये दो पे अपन दो पहले लिखे थे, यहाँ पर क्या है? तीन। और तीन से बड़ी कौन सी संख्या है? चार। ये रहा चार। ये यहाँ पर क्या लिखेंगे? चार से बड़ी कौन सी संख्या है? पांच। तो ये रहा चार के पास में पांच, कोला करके यहाँ पर क्या लिख लिया? पांच। पांच से बड़ी कौन सी संख्या है? छः। छः, तो यहाँ पर अपन छः कहाँ है? ये रहा सबसे लास्ट में, छः पे कोला करके यहाँ पर छः लिख लिया। छः से बड़ी कौन सी संख्या है इसमें? सात। तो यहाँ पर अपन सात लिख लिया। सात से बड़ी कौन सी संख्या है? आठ। ये रहा आठ, यहाँ लिख लिया। आठ से बड़ी कौन सी संख्या है? तो नौ अपन यहाँ लिख लिया। ये कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम, मतलब बढ़ता हुआ। यहाँ पर लिख रखा है आरोही, आरोही मतलब बढ़ता हुआ, ऊपर की तरफ एरो जा रहा है। जैसे यहाँ से एक दो तीन, ये कौन सा क्रम है? बढ़ता हुआ क्रम है, समझे? तो ये कौन सा है? आरोही मतलब बढ़ता क्रम है। ठीक है, और ये दूसरा सवाल करके देखते हैं, कौन से क्रम में जमाना है इनको? अवरोही क्रम में जमाना, मतलब घटते क्रम में लगाना। मतलब बड़ी संख्या को पहले लिखना, फिर छोटी संख्या, छोटी छोटी उससे, छोटी उससे छोटी, समझे? तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इन सबसे में बड़ी संख्या कौन सी है? बारह। बारह, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? बारह। बारह लिख लेंगे, तो यहाँ पर अपन ने बारह लिख लिया, तो यहाँ पर एक गोला लगा लेंगे। उसके बाद कौन सी संख्या है? ग्यारह। तो यहाँ पर अपन ग्यारह पे गोला लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सी है? दस। उसके बाद दस, ये रहा, यहाँ पर दस लिख लेंगे। उसके बाद कौन सी है? नौ। तो यहाँ पर अपन नौ लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सी है? आठ। आठ, तो यहाँ पर अपन आठ लिख लेंगे। यहाँ अगर इस यहाँ पर तो सब मुझे लग रहा है सब संख्या दे रखी है, लेकिन अगर कोई भी संख्या बीच में होती तो यहाँ नहीं ऐसे बारह ग्यारह दस नौ आठ ऐसे लिखते चले जाए, ऐसा नहीं लिखना है। यहाँ पर जो संख्या हो उस हिसाब से ही लिखना, समझे? आठ के बाद कौन सी संख्या है?
आठ के बाद पांच संख्या है, आठ के बाद पांच आएगा, यहाँ पर पांच के ऊपर अपन ने गोला कर लिया। पांच के बाद कौन सी सबसे छोटी? चार। पांच के बाद छोटी चार है, यहाँ पर अपन ने फोर लिख लिया। सबसे लास्ट खंड बचा और सबसे लास्ट एक अंक बचा, तो क्या है सबसे छोटी संख्या? दो। तो ये कौन सा क्रम हो गया? अवरोही। अवरोही अवरोही क्रम है, मतलब ये मतलब घटता क्रम है, मतलब यहाँ सबसे बड़ी है, उसके बाद घटता क्रम है। कौन सा क्रम है? घटता क्रम है। अगर ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।